Hello guys, I am Neetu Nigam and welcome to my channel My Parsala by Neetu Nigam. आज मैं आपके लिए क्लास 5th के एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के साइंस के पेपर लेकर आई हूँ. ये हमारे बच्चे के पेपर हैं, ये साइंस का पेपर है, सीबीएसई बोर्ड के स्कूल के पेपर हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए. इसमें इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको देखने को मिलेंगे. इससे पहले भी हमने क्लास 5th के कंप्यूटर पेपर के एनुअल एग्जामिनेशन पेपर डाले हैं. अगर आपने नहीं देखा है तो उसे एक बार अवश्य चेक कीजिए. और साथ ही और क्लासेस के क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे. साथ ही रिविजन क्वेश्चन भी यहाँ पर आप रिवाइज कर सकते हैं. आप हमें कॉमेंट करके अवश्य बताएँ कि आपके बच्चों के एग्ज़ाम हो गए हैं या होने वाले हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक्स 5 मार्क्स के हैं. सभी क्वेश्चंस 1-1 मार्क्स के हैं. 1-5 द स्टडी ऑफ अर्थ इज कॉल्ड डैश. नंबर 2 लार्ज स्केल सॉइल इरोजन कैन आल्सो लेड टू डैश. फ्रीजिंग ऑफ वाटर इज ए डैश चेंजेस. नंबर 4 डैश रॉक्स आर आल्सो कॉल्ड basalt rocks. And 5 the two main minerals present in granite are dash and dash. Question number 2 5 in 1 पांचों क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के हैं. ट्रू एंड फॉल्स हमें लिखना है. नंबर 1 टू और मोर एटम कंबाइन फ्रॉम अ मॉलिक्यूल. 2 सॉइल इज डिस्ट्रॉय बाय द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग. 3 सेडिमेंटरी रॉक्स आर अमंग द ओल्डेस्ट रॉक ऑन द अर्थ. 4. The soil erosion makes the soil fertile. And 5. Limestone undergoes changes to form marble. Question number 3. Answer in one word. 6 in 1. 6 question hai aur 1-1 marks ke hai. Number 1. The deposition of soil in the river. A. Black solid fusel fuel. 3. A natural process of breaking down of rocks. 4. Anything that has weight and occupy space. And 5. A sedimentary rocks used as a fuel to run steam engines. And 6. The study of the earth and its life. Question number 4. Define the following. इन दोनों को हमें define करना है. 2-2 marks के हैं. Number 8. अफॉरेस्टेशन एंड टू मिनरल्स. क्वेश्चन नंबर 5 मैच द कॉलम. ये एक कॉलम जो है 0.5 का है. 3 है 6 है. 0.5 के एक मैच द कॉलम है. 3 मार्क्स के टोटल है. नंबर 1 से 6 है और इधर ये इसको ऐड करना. पहला है इग्नोरस रॉक कैस्ट एंड मॉड्यूल्स. जेनियस रेड फोर्ट मेटेलिक मिनरल्स फायर स्टॉक. एक मिनट, इसके साइज थोड़ी सी मैं बढ़ा देती हूँ, छोटी हो गई है बहुत. अब सही है. इग्नोरियस रॉक कास्ट एंड मॉड्यूल्स जेनेसिस रेड फोर्ट मेटेलिक मिनरल्स फायर रॉक्स सैंड स्टोन मिका पेट्रोलियम आयरन एंड जिप्सम फॉसिल फ्यूल. इसको हमें मैच करना है. नेक्स्ट क्वेश्चंस नंबर 6. ये भी 2 and 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं. नंबर 1 है ग्रेनाइट इज यूज फॉर मेकिंग लॉन्ग लास्टिंग बिल्डिंग एंड स्टैचू. नंबर 2 सॉलिड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड नॉट बी डंप्ड ऑन लैंड. क्वेश्चन नंबर 7 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. नंबर 1 हाउ वाज कोल फॉर्म्ड. नंबर 2 नेम द सबस्टांसेस प्रोड्यूस आफ्टर बर्निंग अ कैंडल विक. नंबर 3 व्हाट आर द वेरियस यूजेस ऑफ पेट्रोलियम. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल्स. इसे हमें डिटेल्स में देना है. एंड 4-4 मार्क्स के ये क्वेश्चन हैं. 3 क्वेश्चन एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के. नंबर 1 डिफ्रेंशिएटेड बिटवीन सॉलिड एंड गैसेस. 4 पॉइंट्स हमें लिखना है इसमें. नंबर 2 Name the four varieties of sedimentary rocks giving one property of each. And number 3 what is the soil conversion. Soil conversion kya hota hai. Soil conversion
व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कंपोजिशन ऑफ सॉइल विद द हेल्प ऑफ लेवलर डायग्राम। कंपोजिशन ऑफ सॉइल क्या होता है? कंपोजिशन ऑफ सॉइल विद हेल्प ऑफ लेवल डायग्राम के द्वारा कंपोजिशन ऑफ सॉइल को एक्सप्लेन करते हुए हमें बताना है। तो ये था हमारा क्वेश्चंस पेपर, आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहे। प्लीज़ कमेंट करके हमें अवश्य बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक्स पे देखना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।